नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के एनडीए में शामिल ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को लेकर बुरी खबर आ चुकी है। ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, योगी के खास नहीं माने जाते हैं। सीधा इनकी मुलाकात होती है अमित शाह से, और अमित शाह से इनका बहुत अच्छा संबंध है, और योगी से उतना अच्छा संबंध नहीं बताया जाता है। खबर क्या है, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों नेताओं के बेटे चुनाव हार गए, चाहे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हो, चाहे संजय निषाद के बेटे हों, चुनाव हार गए प्रवीण निषाद भी संत कबीर नगर और घोसी लोकसभा सीट से। वहीं पर बड़ी खबर निकल कर आई थी बेदी राम को लेकर के, जिन्हें सरगना बताया जाता है, जिनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, आरोप हैं, इनकी गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी हो चुका है। इनका मामला कब का था, अभी तो स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाया था, या आप लोगों ने किसी और यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। वहीं पर बेदी राम के साथ साथ विपुल दुबे, जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, संजय निषाद के विधायक हैं। संजय निषाद की निषाद पार्टी है, तो इन दोनों का नाम पेपर लीक से संबंधित आ चुका है, और इन दोनों विधायकों की गिरफ्तारी होने वाली है, और इनके खिलाफ रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। खबर है रेलवे ग्रुप डी के भर्ती पेपर लीक मामले में कोर्ट ने सुभाषपा विधायक बेदीराम, निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बेदीराम के खिलाफ अलग अलग राज्यों में पेपर लीक को लेकर केस दर्ज है। अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मतलब कई राज्यों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और वहीं पर अगली खबर आप देखिएगा, पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 18 के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। अब बेदीराम गाजीपुर की जखनिया से विधायक हैं, विपुल दुबे निषाद पार्टी से भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो एसटीएफ ने बेदीराम को रंगे हाथों पकड़ा था, गिरफ्तार किया था 25 जनवरी 2006 को। एसटीएफ ने पता लगाया कि अगले दिन होने वाली ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, मतलब जैसे कल पेपर होना था तो आज ही बेदीराम के पास पेपर आ गया था। उसके बाद एसटीएफ की टीम ने आलमबाग के एक मकान पर छापा मारा और बेदीराम व उनके अन्य साथियों को प्रश्न पत्र सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके पर बेदीराम के चचेरे भाई दीनदयाल उर्फ दीना सहित अन्य आरोपी भाग निकले थे। तो आप समझ सकते हैं ये मामला था, और इस मामले को लेकर के अब ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप समझिएगा, एसटीएफ किसी के इशारे पर काम करेगी तो बिना मुख्यमंत्री के इजाजत के तो काम होगा नहीं, और मुख्यमंत्री ने इन दोनों नेताओं को लपेटना शुरू कर दिया है, जो समय समय पर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के खिलाफ हो या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो। अगर बीजेपी में रहेंगे तो अखिलेश यादव को लेकर ताड़तोड़ बातें करेंगे, बातों का मतलब निर्लज्जता पूर्वक बातें करते हैं, और योगी आदित्यनाथ को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था आप याद करिएगा, भीख मांगने की ट्रेनिंग जहां पर दी जाती है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजेंगे, वहीं पर अखिलेश यादव के लिए जब बीजेपी के साथ चले गए तो उनको इटावा मैनपुरी भेजने का ज्ञान देने लगे। तो आप समझ सकते हैं एसटीएफ को कई वाहन सहित भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र भी मिले थे, मतलब जो लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनका मूल प्रमाण पत्र भी मिला था। मामले के सभी अभियुक्त के विरुद्ध एसटीएफ द्वारा थाना कृष्णानगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। गैंगस्टर एक्ट के
विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित के अनुसार कृष्णानगर थाने की पुलिस द्वारा 19 आरोपियों के विरुद्ध आरोप दाखिल किया गया था। अब विधायक एसटीएफ विधायक बेदीराम एसटीएफ ने 15 साथियों के साथ किया था गिरफ्तार, मतलब एसटीएफ ने विधायक बेदीराम के साथ 15 साथियों को गिरफ्तार किया था। वहीं पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रश्न पत्र में मिले थे 150 प्रश्न। प्रश्न पत्र जहां पर गरीब या सामान्य वर्ग के लोग तैयारी करते हैं वहां पर ऐसे कारनामे करते हुए नजर आए। तो देख सकते हैं, असलम के घर पर छापा मारने वाली टीम में तत्कालीन एएसपी विजय भूषण व राजेश पांडे के साथ डिप्टी एसपी जयप्रकाश थे। टीम ने असलम के घर से बरामद प्रश्न पत्र के प्रारूप का रेलवे मंडल रेलवे प्रबंधक लखनऊ के यहाँ मिले प्रश्न पत्रों से मिलान कराया था, जिसमें 150 प्रश्न मिले थे। परीक्षा में 16,00,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आप समझ सकते हैं, पूरे प्रश्न पत्र इन लोगों ने मिलवा दिए थे। अब जौनपुर के इस थाने में हिस्ट्री सीटर हैं बेदीराम, सपा बसपा के शासनकाल में अकूत संपत्ति कमाई थी। मतलब कि आज ही नहीं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, जब बसपा की सरकार रही, तब भी बेदीराम ने अकूत संपत्ति कमाई। अब इस मामले को लेकर के अगर सजा होती है, अब आप समझ सकते हैं जिसकी चांस ज़्यादा हैं इन दोनों विधायकों पर सजा होती है, तो इन दोनों विधायकों की विधायकी भी जा सकती है। विधायकी कब जाती है? जब किसी नेता के ऊपर, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, 2 साल से अधिक सजा हो जाती है तो विधायकी चली जाती है। विधायकी जाने का भी खतरा इन दोनों नेताओं के ऊपर मंडरा रहा है। वही ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जो लंबी लंबी बातें करते थे, मुंह से बोलती नहीं निकल रही है। आपकी क्या राय है इन नेताओं के बारे में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और अपने सहयोगियों को, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे संजय निषाद हों, ओम प्रकाश राजभर हों, और आरएलडी को हो सकता है एक सीट मिल जाए, अन्यथा किसी भी सहयोगी को एक भी सीट बीजेपी देने के मूड में नहीं है। और योगी आदित्यनाथ अगर इन दोनों विधायकों के खिलाफ एक्शन लेते हैं जो सामने दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के मंत्री पद पर भी खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी जान चुकी है कि इन नेताओं को आगे खड़ा करने से हमको वोट नहीं मिलने वाला है, हमको काम पे वोट मिलेगा। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी जरूर घबराई है, लेकिन अगर इतना दबाव ना बना होता तो इन दोनों नेताओं को कहीं ना कहीं एक तरह से संरक्षण भी प्राप्त होगा, बड़े नेताओं का भी। देखते हैं आगे कार्यवाही क्या होती है। आपकी जो राय है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। नमस्कार।